हेलो दोस्तों, तो ये देखिए हमने पिछली वीडियो में स्विच लगाने का तरीका आपको बताया था और देखिए हमने कितनी अच्छी तरीके से इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये काम आपको बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा और इस तरह से एकदम परफेक्ट तरीके से आप भी स्विच लगा पाएंगे। अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जो इसका बटन है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी से लग के आया है ये स्विच। तो इस तरीके से आप लगा पाएंगे और ये देखिए दोस्तों, रिवर्स फॉरवर्ड भी एकदम सही से वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी तक मैंने इसके कनेक्शन नहीं किए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा और थोड़ी सी कुछ और जानकारी है वो भी मैं आपको दूँगा और साथ ही आपको कनेक्शन करके भी दिखाऊँगा। तो आपको पूरा वीडियो देखना है तभी आप ये काम कर पाएंगे और दो तीन मैंने इसमें चीज़ें चेंज की हैं वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने देखिए दोस्तों, नट कस दिए हैं तभी हमारा स्विच इस तरह से इसमें लगा हुआ है और हिल नहीं रहा है। तो अब मैं पहले इसके स्क्रू खोल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने किस तरह से इसको लगाया हुआ है। यहाँ पर हमने साइकिल के ट्यूब की रबड़ की मदद ली है और हमने इसको इस तरह गोल गोल कर लिया जिससे कि ये यहाँ पर हमारा स्विच यहाँ पर फंस जाएगा। और साइड में ये देखिए, हम इसको जितना भी दबाएँगे तो ये पीछे नहीं जा पाएगा दोस्तों, यहाँ से एकदम स्ट्रेट रहेगा। और यहाँ से हमने आपको बताई दी थी। तो दोस्तों, यह वाला हमने परमानेंटली फेविक्विक से चिपका दिया है जिससे कि एक हमारे स्लॉट की तरह बन जाएगा और जब भी हमारा ये स्विच ख़राब होगा तो हम इसे आसानी से चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर भी इस टाइप की रबड़ लगाई है ताकि ये हमारा स्विच इधर उधर हिले ढुले ना। तो ये देखिए, ये रबड़ आपको इसके ऊपर लगाना है। कुछ इस टाइप से आप जब ये लगा लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, नीचे वाला हिस्सा भी मैंने फेविक्विक से चिपका दिया है परमानेंट और ये भी चिपका दिया है और ये वाला भी चिपका दिया है और ये वाला इस तरह से यहाँ आएगा और हमारा स्विच यहाँ पर फंस जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब मुझे नॉर्मल वाला स्विच इसमें लगाना नहीं है। कभी भी हमारा ये स्विच ख़राब होगा तो हम आसानी से इस स्विच को चेंज भी कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ। तो यहाँ पर ये स्विच थोड़ा लंबा सा था तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये इसी का है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ किस टाइप से था। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप से हमारा स्विच था यहाँ पर, तो ये लग गया और ये इतना लंबा था। तो अब हमने दूसरे वाले स्विच में क्या करा, हमने इसको यहाँ से काट के और इसके ऊपर लगा दिया है जिससे कि एक डिज़ाइन टाइप की बन भी गई है और ये पकड़ने में आपको अड़ेगा भी नहीं। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी डिज़ाइन है और इसमें कितना गैप भी है और ये हमने इसको काट के उल्टा कर दिया है। अब ये अड़ेगा भी नहीं और प्लस छोटा भी हो गया और ये आसानी से चल भी रहा है। तो दोस्तों, अब हम इसमें करेंगे कनेक्शन। सब में पहले तो हम करेंगे इसके कनेक्शन की ड्राइंग बनाएंगे कि किस टाइप से इसमें कनेक्शन किए गए हैं। चलिए मैं पहले कनेक्शन कर ही लेता हूँ इसमें।
तो दोस्तों ये हमारे फील्ड बाइंडिंग के दो वायर हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों हमें यहाँ नीचे तक लाना पड़ेंगे, पर ये छोटे रख पड़ेंगे यहाँ पर। तो हम इसमें अलग से वायर जोड़ लेते हैं और जोड़ के यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। दोस्तों इस स्विच का हमें ढक्कन खोलना है और ये मैंने ढक्कन खोल लिया, निकल जाएगा ये यहाँ से इस तरह से, और ये देखिए निकल गया। अब हमने ये इसे फेज वायर मान के हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दो पट्टियाँ हैं और इसमें हमें फंसाना है यहाँ वायर। तो दोस्तों आपको इस टाइप से इसमें वायर लगा लेना है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, और ये पत्ती उठी भी हुई दिख रही होगी। तो ये बड़ी मुश्किल से लगा है, मुझे ये लगाने के लिए इसकी हेल्प लेना पड़ी चिमटी की, ये लग नहीं रहा था क्योंकि दोस्तों इसमें जो फील्ड बाइंडिंग होती है ड्रिल मशीन की उसमें पत्तियाँ होती हैं, तो ये पत्ती इसमें फंस जाती हैं आसानी से और ये लग नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको लगा दिया। और इसमें हम किसी तरह का वायर नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि नोटल हम इसमें कस देंगे सीधे डायरेक्ट और स्क्रू कस देंगे। और दोस्तों इन दोनों में से हमें एक फेज़ वायर बनाना है, तो मैं ये नीला वाला फेज़ वायर बना रहा हूँ और इसको मैं कसूँगा यहाँ पर, और ये वाला होगा हमारा आउटपुट में फील्ड बाइंडिंग में जाएगा। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, देखते आप समझ जाएंगे, और लास्ट में मैं आपको ड्राइंग बनाकर भी एक बता दूंगा कि किस तरह से हमने इसमें कनेक्शन किया है। तो दोस्तों देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और मैंने एक हमारा ये न्यूट्रल का वायर और ये फील्ड बाइंडिंग में जा रहा है, ये मैंने एक न्यूट्रल बना दिया, और ये हमारा फेज़ वायर है जो कि स्पीड कंट्रोल से होकर आएगा और वो हम इसमें कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए मैंने फील्ड बाइंडिंग और इसका कनेक्शन कर दिया है, वैसे आप कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे मैं आपको काट काट के क्यों दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों उसका कारण ये है कि ये वीडियो मैं अभी बना ही रहा हूँ और थोड़ा दिमाग लगा लगा के कैसे क्या करना है, तो इसलिए मैं पहले सोच रहा हूँ फिर उसको कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए एक दोस्तों एक वायर हमारा नीचे चले आएगा क्योंकि हमारे पास जगह कम है, और एक वायर साइड में चला जाएगा या इसके अंदर ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है इसलिए, और हमारी केबल यहाँ दब जाएगी। तो अब दोस्तों मैं इतना कर ले रहा हूँ, फिर आपको रिवर्स फॉरवर्ड और कार्बन ब्रश के कनेक्शन बताऊँगा। तो दोस्तों ये देखिए मैंने केबल भी कस दी है और ये यहाँ पर लग गई है, और ये वायर भी यहाँ दब जाएंगे, और अब हमारा बचा है इसका कनेक्शन। तो मैं आपको दूसरे स्विच पे दिखा दे रहा हूँ किस तरह करेंगे, यानी मैं करूँगा इसी पर और आपको इसी वीडियो में दिखाऊँगा। तो ये हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने खोल लिया है, और ये देखिए यहाँ पर इसमें एक ये दिया हुआ है इसे निकालने का, तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा इस तरह से, और इसके अंदर होंगे स्विच। तो देखिए यहाँ पर हमारे आएंगे फील्ड बाइंडिंग के कनेक्शन, एक दो, और यहाँ से हमारे जाएंगे कार्बन के लिए, एक दो। तो दोस्तों जो अभी देखिए कार्बन वाले कनेक्शन हैं इनको हमें यहाँ से निकाल लेना है, ये देखिए जो ये वाले वायर हैं ये हमें निकाल के एक वायर हमें यहाँ लगाना है, और नीचे वाला उठा के यहाँ लगाना है, यानी कि आप कोई सा वायर भी कहीं भी लगा देंगे, लेकिन आपको लगाना है यहाँ पर और यहाँ पर, जो आपको दिख रहा होंगे नीचे साइड जाते हुए, ये अच्छे से आप देख लीजिए, एक यहाँ पर, और यहाँ से हमारा कार्बन, और ये दूसरा कार्बन के लिए यानी यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों मैं इसमें अलग से वायर जोड़ूंगा क्योंकि ये छोटे वायर हैं यहाँ पर।
तो देखिए दोस्तों, आप भी ऐसी गलती मत करना। मैंने थोड़ा छोटा वायर काट दिया और ये एल्युमिनियम का था, तो इसके कुछ वायर ख़राब हो गया। इसके लिए मुझे ये पूरी बाइंडिंग निकालना पड़ेगी और यहाँ पर हम बाइंडिंग निकाल के फिर दोनों वायर अच्छे से लगा लेंगे, उसके बाद वापस इसे बंद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसकी बाइंडिंग इस तरह है। ये इसकी कॉइल है और ये स्क्रू लगे, ये खोलकर हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी फील्ड बाइंडिंग है और ये मैंने निकाल ली, बड़ी मुश्किल से निकली है दोस्तों। अगर ऐसा ही होगा, अगर आप अपनी ये वीडियो देखकर नहीं बनाएंगे और बिना कुछ सोचे समझे करेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। इसलिए लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर हम बिना देखे या सोचे कुछ काम करते हैं तो इस तरह की परेशानी आती है। तो देख लीजिए आप, इसकी बाइंडिंग इस तरह है। अब इसमें ये कॉपर एल्युमिनियम का वायर है, हो सकता है ये एल्युमिनियम की वाइंडिंग भी हो। तो मुझे ये निकालते वक्त देखना पड़ा कि इसमें कहीं लग ना जाए या वायर ना टूट जाए। तो दोस्तों, मैंने इसकी वाइंडिंग लगा दी है और वायर भी निकाल लिए हैं। इसे बंद करने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये इसका गियर है और ये इसका चक है और ये इसका आर्मेचर और ये इसका फैन और ये देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसलिए मैंने इस वायर को काटा था जो कि छोटा हो गया था। और हालांकि अब मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ, मैंने इसको इस तरह से यहाँ से होल करके, फिर ये कार्बन ब्रश का होल्डर है, यहाँ होल करके इस तरह से वायर बांध दिया है। और दोस्तों ये एक मजबूत वायर बन गया, देखिए मैंने एक लगा भी दिया है और ये मैंने वायर यहाँ पर चिपका दिए हैं फेविक्विक की मदद से, जिससे कि ये आसानी से मेरी इसके ऊपर का कवर भी लग जाएगा और ये हिलेंगे ढुलेंगे भी नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये फील्ड बाइंडिंग के वायर आए, जो इसमें मान लीजिए पहले कार्बन थे, ये कार्बन वाले दोनों मैंने यहाँ लगाए और अब एक कार्बन का ये गया इस वाले में और अब ये दूसरा कार्बन का मैं यहाँ लगाऊंगा, जिससे कि ये दोनों आपस में ब्रश चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला कनेक्शन यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा इसको स्विच करते ही, और वापस हम इसी मोड पे करेंगे तो ये वाला वापस यहाँ चला जाएगा। सिर्फ दोस्तों इस स्विच से होता इतना है, आपस में ये अपने कार्बन चेंज कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका इस टाइप से ये स्विच है तो आपको इसको घिस देना है हल्का हल्का इस तरह से। पहले आपका ये सीधा होगा, आपको लेकिन इस तरह से घिसना है कि ये इनकी साइडों में फंसे ना। या तो आप इसको घिस दीजिए, नहीं तो आप स्विच को घिस लीजिए, क्योंकि दोस्तों स्विच हम कभी भी चेंज कर देते हैं। इसलिए आप स्विच को यहाँ से घिस लीजिए तो ये यहाँ पर फंसेगी नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये चलने के लिए अब रेडी है। हमने सारे वायर इसमें लगा दिए हैं और अब इसको ढक्कन बंद करना है और सिर्फ चलाना बाकी है, क्योंकि ये देखिए सब हमने लगा दिए यहाँ पर, ये कनेक्शन वगैरह सब कर दिए और ये देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से ये वायर भी यहाँ लगा दिए हैं और हमारा ढक्कन भी बंद हो जाएगा और अड़ेगा नहीं। तो दोस्तों अब ये पूरी तरह चलने के लिए रेडी है। अब हम ढक्कन बंद करेंगे और फिर इसको चालू करेंगे, लेकिन चालू करने से पहले, जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी ड्रिल मशीन या कोई भी मशीन होती है, ये एसी और डीसी से चलने वाली होती है और इसमें यूनिवर्सल मोटर यूज़ की जाती है ड्रिल मशीन में और हेमर मशीन में और जो हमारा घर का मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें। तो देखिए हमने इसके कनेक्शन कैसे करे थे। तो ये मान लीजिए हमारा स्विच है, और तो देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पॉइंट था एक N3 का और यहाँ पर था L1 जो कि हमारा लेन वायर था। तो सब में पहले हम इसे पावर देंगे मेन सप्लाई से। तो ये हमारी मेन सप्लाई है फेज वायर और ये हमारा है न्यूट्रल वायर।
तो ये दोनों हमारे स्विच में गए। अब हमारा जो फेज़ वायर है वो यहाँ से इधर पर है, यहाँ पर टू पॉइंट होंगे तो हमें इसमें से लेना है टू नंबर पॉइंट में से आउटपुट हमारी फील्ड वाइंडिंग के लिए, जो कि हमारी स्पीड कंट्रोल भी करेगा। और न्यूट्रल हमें रखना है कॉमन। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारी ड्रिल मशीन में या कोई सी भी मोटर में, यूनिवर्सल मोटर में दो वाइंडिंग होती हैं। तो ये रही हमारी पहली वाइंडिंग जिसमें हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, और ये रही हमारी दूसरी वाइंडिंग जिसमें हमने फेस कनेक्ट कर दिया स्पीड कंट्रोल स्विच द्वारा, और ये हमारी वाइंडिंग। अब हम इसको थोड़ा ऊपर साइड ले आते हैं। तो दोस्तों अब आता है हमारा स्विच। तो देखिए हमारा जो स्विच है इसकी ड्राइंग मैंने एक पहले बनाई हुई है, वो दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये स्विच हमारा कुछ इस तरह होता है। आप जानते हैं जैसे कि ये हमारा मान लीजिए रिवर्स मोड में है, तो हमारी एक वाइंडिंग का वायर यहाँ कनेक्ट होगा जैसे मैंने दर्शाया एफ से फील्ड वाइंडिंग, और ये दूसरा वायर हमारा यहाँ कनेक्ट होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या दिया था पहले, ये रहा, चलिए हम इस पर बना देते हैं एन, और यहाँ हमारा मिल रहा है फेस, और सपोज ये है कार्बन के लिए और आर्मेचर के लिए। तो देखिए हमारा एक वायर यहाँ आया और दूसरा हमने यहाँ कनेक्ट किया, तो ये सीधे आया रिवर्स मोड में। देखिए दोस्तों हमारे स्विच ये रिवर्स स्विच है, इसमें चार पॉइंट होते हैं। तो हमारा पहला वायर यहाँ गया जो कि न्यूट्रल का, या आप अलर्ट फ्रेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए जो हमारा जो कार्बन के थे वो हमने यहाँ दे दिए, तो ये देखिए ये रिवर्स मोड में इस तरह से कनेक्ट होते हैं और फॉरवर्ड मोड में इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये पिन आपस में चेंज हो जाती हैं। तो हमारा जो पहला वायर आया न्यूट्रल वाला ये आया आर्मेचर पे गया और ये कार्बन में बन गया, और ये दूसरा वाला वायर आया तो ये हमारा यहाँ आके ये आर्मेचर से कनेक्ट हो गया कार्बन के द्वारा। तो दोस्तों जिसके कारण हमारी मोटर रिवर्स हो गई। और अब यहीं पे ये दूसरी कंडीशन जो फॉरवर्ड मोड में देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों हमने एक पिन एक वायर यहाँ कनेक्ट किया, एक वायर यहाँ कनेक्ट किया। तो देखिए हमारा पहले कैसे आ रहा था, सीधे सीधे आ रहा था, अब ये यहाँ से यहीं के यहीं घूम गया, ये आया यहाँ से आया ये आया और ये इससे हो गया। कभी आपके पास स्विच हो तो आप मल्टीमीटर से ये करके देखिएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा वायर यहाँ से आया इस तरह से आया और ये आपस में कार्बन चेंज हो गए, और इसी कार्बन चेंज होने के साथ ही हमारी जो मोटर की रोटेशन है वो भी चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम कर देंगे हमारा स्विच कनेक्ट। इस तरह से वो इसका एक वायर हम देंगे यहाँ से उठा के ये यहाँ पर, और दूसरा वायर हम देंगे यहाँ से लेकर यहाँ पर, और ये हमारे निकला आर्मेचर के लिए। तो हम इसको यहाँ से थोड़ा जंप कर देते हैं और ये निकला एक हमारा आर्मेचर के लिए, और ये हमने कार्बन ब्रश बनाए। चलिए वो तो आपको समझाने के लिए था, और ये हमने इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दिया इस तरीके से, क्योंकि दोस्तों मैं अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हूँ और दूसरे हाथ से आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ हवा भी चल रही है, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको डायग्राम भी बता दिया है, और ये देखिए ये हमारी चल रही है रिवर्स और ये चलेगी फॉरवर्ड दिशा में, और ये इससे स्पीड भी कंट्रोल होगी, और हमने इस ये जो एक्स्ट्रा होल था उसको छुपा दिया।
देखिए दोस्तों कितने परफेक्ट तरीके से लगा हुआ है और एकदम अच्छे से काम कर रहा है।